साथियों नमस्कार, मैं हूं विमल सर और आप देख रहे हैं सीजी जॉब एजुकेशन यूट्यूब चैनल। छत्तीसगढ़ में छात्रावास अधीक्षक की भर्ती परीक्षा समाप्त हो चुकी है। बहुत सारे साथियों का सवाल आ रहा है कि सर, इसको लेकर कट ऑफ पर एक वीडियो बनाइए कि कितना कट ऑफ जा सकता है। मैं इस वीडियो में बात करूँगा कि कितना कट ऑफ जाएगा, कितने लोगों ने पेपर दिया, पेपर का स्तर कैसा रहा, संपूर्ण विश्लेषण इन तीन बिंदुओं पर मैं करूँगा। साथ ही नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए, कितने लोगों ने पेपर दिया, सबसे पहले मैं इस विषय को लेता हूँ। तो छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने छात्रावास अधीक्षक की जो कितने प्रतिशत लोगों ने पेपर दिया उसके डिटेल जारी कर दिया है। देख पा रहे हैं आज ही ये पेपर हुआ है 15 सितंबर को, और 15 सितंबर को पेपर के उपरांत उक्त परीक्षा आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई है। और इस परीक्षा में 55.98% अर्थात 56% उपस्थित हुए हैं। तो मान के चलिए साथियों कि जो 6,30,000 लोगों ने पेपर दिया उसमें 3,00,000 लोगों ने पेपर दिया हुआ है, अर्थात 3,00,000 परीक्षार्थी उपस्थित हुए हैं आज की इस छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा में। अब यहाँ पर कट ऑफ कितना जाएगा, ये सवाल आ रहा है। तो मैं आपको बता दूँ, छत्तीसगढ़ छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा में जो पेपर का स्तर है वह मध्यम स्तर का था, न हम ज़्यादा उसको सरल कह सकते हैं और न ही उसको ज़्यादा कठिन कह सकते हैं। तो आप मोटी मोटा मान के चलिए कि इस परीक्षा का जो स्तर है वह मध्यम स्तर का है, इसलिए कट ऑफ भी हमको थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिलेगा। अब कैसे डिफरेंट होगा, तो आप मान के चलिए जिन साथियों का जनरल कैटेगरी में नाम आएगा, अर्थात जनरल कैटेगरी के कट ऑफ आपका 80 से 85 के बीच में जाने की उम्मीद है, और ओबीसी का कट ऑफ 75 से 80 जाने की उम्मीद नज़र आ रही है। ठीक है, इतना कट ऑफ आप मान के चलो 75 से 80 ओबीसी में और 80 से 85 आपका जनरल कैटेगरी में जाएगा। तो जिन साथियों का भी पेपर अगर बहुत अच्छा गया है, उनको लग रहा है कि हमारा जो है 80+ आ रहा है, तो आपकी नौकरी लगने की जो चांसेस हैं बहुत ज़्यादा है। लेकिन एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ, बहुत ही कम ही स्तर में नीचे गिरने की संभावना है, क्योंकि कैंडिडेट की संख्या बहुत ज़्यादा है, हर एक पॉइंट में आपको सैकड़ों साथी देखने को मिलेंगे, इसलिए कट ऑफ ज़्यादा नीचे गिरने की संभावना भी इसमें नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन था और प्रश्नों का लेवल भी उतना कठिन नहीं था, सामान्य स्तर के ही प्रश्न थे, थोड़ा सा लेवल हाई था, वो भी सब्जेक्ट के आधार पर। जैसे गणित की बात करूँ तो कूट संकेतन वाला प्रश्न ज़्यादा दिया था, इसलिए गणित का लेवल थोड़ा सा अलग था, बाकी सभी क्वेश्चंस जो है काफ़ी अच्छे लेवल के पूछे गए थे। और जिन साथियों ने बेहतर ढंग से पढ़ा होगा उनका बहुत ही अच्छा जो है एग्ज़ाम गया है आज, क्योंकि मैंने बहुत सारे साथियों से संपर्क भी किया है इसको लेकर, तो रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा और कट ऑफ भी इस बार काफ़ी हाई जाने की उम्मीद नज़र आ रही है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, साथ ही नए हैं चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।